जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। दोस्तों 67 साल हो चुके हैं हमें बौद्ध धर्म अपना कर। तो आफ्टर 67 ईयर्स ऑफ कन्वर्जन मूल्यमापन होना तो बेहद ज़रूरी है। 67 ईयर्स पहले हम लोग कहाँ थे और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आज 67 ईयर्स हो चुके हैं उसके बाद हम लोग कहाँ है, ये बताने के लिए इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। क्या धर्मांतरण करने से किसी का जीवन बदल सकता है, इस बात को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम, उन्होंने कहा कि फील्ड पर जब आप काम करते हो तो आप चमार की तरह नहीं दिखने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चमार को यहाँ पर गाली के सेंस में उन्होंने इस्तेमाल किया है, बैड सेंस में इस्तेमाल किया है। जैसे सलमान खान का, शिल्पा शेट्टी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था यार अच्छा दिखना चाहिए, भंगियों की तरह नहीं दिखना चाहिए। तो भंगी भी यहाँ पर जाती है, चमार भी यहाँ पर जाती है, मांग महार भी यहाँ पर जाती है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जातियां है इनको गाली के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। जब सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, इन्होंने जब भंगी वर्ड का इस्तेमाल किया था दोस्तों, मुझे बुरा लगा था, बट मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ उन्होंने इस वर्ड को किसी समुदाय को नीचा दिखाने के लिए या किसी समुदाय को अंडर एस्टिमेट करने के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल डेफिनेटली नहीं किया है। दोस्तों ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आज भी जो भी अंबेडकराइट लोग मुंबई में रहते हैं, जो भी बुद्धिस्ट लोग मुंबई में रहते हैं, भंगी इस शब्द का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गाली के तौर पर इसे प्रेजेंट किया गया है। और दोस्तों ये काफी सालों से ये बोली भाषा का एक पार्ट है। उत्तर भारत की वजह से हम लोग को अभी ये पता चल रहा है कि नहीं भाई, भंगी इस वर्ड का इस्तेमाल करना किसी समुदाय को गाली देने के बराबर है। इसलिए दोस्तों हम लोग भी, मतलब हमारा भी नॉलेज एनहांस हो रहा है, हम लोग भी अवेयर हो रहे हैं इन सब चीजों से। पर हकीकत ये है दोस्तों कि इन शब्दों का इस्तेमाल गाली के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। सलमान खान ने इसको किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए ये वर्ड डेफिनेटली नहीं इस्तेमाल किया है दोस्तों, इस बात को भी समझना होगा। और दोस्तों अभी जो वसीम अकरम ने चमार शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यार चमार लोग कैसे रहते हैं, उनका लुक एकदम घटिया सा होता है, यही उनके दिमाग में चीजें है ना। अब देखिए दोस्तों, आज 2023 है, 2023 में कोई चमार मर्सिडीज में घूम रहा है, अगर कोई चमार BMW में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है, उसके बावजूद दोस्तों उसको ये वर्ड सुनना पड़ा वसीम अकरम से। तो दोस्तों समझिए यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी क्या हुई है। तो अब चमार लोग जो आगे आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, चमार इस शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि जो ट्रेडिशनली गाली की तरह इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह लोग याद दिलाते कि नहीं भाई तुम लोग चमारी हो। कोई इंसान किसी भी बड़े पोजीशन पे पहुंच जाए फिर भी उसको एहसास दिलाया जाता है अबे तुम तो चमार हो, तुम लोग तो ऐसे रहते थे, तुम लोग तो वैसे रहते थे। और दोस्तों इसी कारण धर्मांतरण जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो इन जातियों को हमें छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने इस जातियों को मिटाने के लिए काफी कार्य किया। पर दोस्तों अंत में उनको उनकी जाति याद दिलाई जाती थी, इसलिए उन्होंने धर्मांतरण किया, धर्मांतर करने में ही भलाई समझी। और दोस्तों उन्होंने ऐसे धर्म को चुना जो धर्म भारतीय है, भारत के बाहर से आए हुए अब्राहमिक रिलीजन को उन्होंने नहीं चुना, बल्कि जिस धर्म का निर्माण भारत में हुआ है ऐसे ही धर्म को उन्होंने चुना। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भारत प्रेम यहाँ पर हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी हमें यह समझना है धर्मांतरण करने के कारण क्या इंसान का जीवन बदल सकता है या नहीं। देखिए दोस्तों एक हकीकत में बता रहा हूँ, जब भी कोई इंसान चमारों को गाली देता है या फिर महाराष्ट्र के मांग महारों को गाली देते हैं, मुझे इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देखिए वो लोग हिंदू धर्म से टिके हुए है, वो लोग ईमानदारी से हिंदू धर्म छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनको प्राउड फील हो रहा है कि नहीं हम हिंदू है, हम धर्म नहीं बदलेंगे। पर दोस्तों हमने तो धर्म बदल लिया, हमने कन्वर्शन 1956 में किया बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कारण, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको कहा, बताया कि इस धर्म में रह के आपको अपमान सहना ही होगा। तो जो लोग आज महार मातंग समाज में है उन लोगों को आज अपमान सहना ही पड़ रहा है दोस्तों। उनकी फिर कितनी भी तरक्की हो जाए, वो कितना भी पढ़े लिखे हो, पर उसके बावजूद उनको आरक्षण को लेके उनको भिखारी कहा जाता है कि आरक्षण लेने वाले ये तो भिखारी लोग है। क्योंकि SC ST समुदाय में देखिए दोस्तों कौन से लोग है, अगर आप एक धर्मीय मतलब बुद्धिस्ट लोगों को आप लोग माइनस कर दो तो जो SC ST OBC लोग है वो कौन है लोग, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ हिंदू लोग है दोस्तों।
और उसके बावजूद उनको अपमान सहना पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों समझने वाली, ये हिंदू धर्म में रह के आपको नीचा दिखाया ही जाएगा, फिर आपको आरक्षण के कारण नीचा दिखाया जाएगा, या फिर आपके रहन सहन के कारण या आपके जाति के कारण आपको नीचा दिखाया जाएगा। इसलिए दोस्तों धर्मांतरण प्रक्रिया काफी जरूरी है और इसी कारण हम लोगों ने धर्मांतरण किया। और आज कोई भी आपको कहते हुए नहीं दिखेगा कि बुद्धिस्ट ऐसे होते हैं, बुद्धिस्ट वैसे होते हैं। वो लोग थोड़े दिन वो लोग कहेंगे कि ये धर्म तो महारों का धर्म है, ये चमारों का धर्म है, भंगियों का धर्म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो चमार लोग थे, भंगी लोग थे या महार मातंग लोग थे, इन्हीं लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। पर दोस्तों आज अगर आप उनकी स्थिति देखोगे, आज अगर आप उनका अगर पोजीशन देखोगे, तो सब बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच चुके हैं, सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, एजुकेशन लेकर फॉरेन में सेटल हो गए हैं। अगर आप हाल ही में दलित दस्तक नाम का एक यूट्यूब चैनल है उसको विजिट करोगे, तो वो हर एक जो NRI है, भारत के बाहर जो बसे हुए अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं, वहां पर वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों धर्मांतरण के बाद जो हमारा समाज है वो कहां पर पहुंचा है, इससे ये पता चलता है दोस्तों। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारा चेंज हो चुका है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हमारी बदल चुकी है, हमारी सोच बदल चुकी है, सुपरस्टिशन से हम लोग मुक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सारे बदलाव केवल धर्मांतरण के कारण हुए है दोस्तों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और दोस्तों रिजर्वेशन के कारण हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी के कारण हम लोग बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज देखिए जो भी बड़ी जाति आती है, मतलब महाराष्ट्र में मराठा जाति जो आरक्षण की डिमांड कर रही है, उन लोगों को भी जो ब्राह्मीण से या जो सनातनी, वो लोग उनको भड़काने की कोशिश करके देखिए कि ये लोग आरक्षण ले रहे हैं, जो बुद्धिस्ट लोग है वो आरक्षण ले रहे, इसके कारण आप लोग सब पीछे हो जा रहे हो। पर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो शेड्यूल कास्ट में अगर बुद्धिस्ट को माइनस किया जाए तो जितने भी शेड्यूल कास्ट है सारे के सारे हिंदू है, पर वो लोग बुद्धिस्ट को टारगेट करते हैं। टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लगता है कि यार ये लोग काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ये लोग काफी ज्यादा अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने धर्म को फैला रहे हैं, पूरे दुनिया में फैला रहे हैं, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यहाँ पर भी अंबेडकरवादी संस्था ये लोग ने खड़ी कर दी है और वहां पर ये लोग बुद्ध धर्म का फैलाव कर रहे हैं, उनके विचारों का प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों का प्रचार कर रहे हैं। तो ये उनको सहा नहीं जा रहा है, इसलिए दोस्तों रिजर्वेशन का माथा सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों पर फोड़ा जाता है। जबकि बुद्धिस्ट को माइनस कर दिया जाए तो OBC, ST, सबसे बड़ा रिजर्वेशन लेने वाले लोग हिंदू धर्म के है, पर उसके बावजूद उनको नीचा दिखाया जाता है। दोस्तों ये बात आप लोगों को समझनी होगी। दोस्तों आज हम देख रहे हैं जो भी अपर कास्ट लोग है, फिर वो मराठा हो या फिर कोई और हो, वो सारे के सारे लोग आज रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बुद्धिस्ट लोग है, ये लोग रिजर्वेशन के कारण इतने बड़े बड़े पोजिशन पर पहुंच गए। इन लोगों के पास मर्सिडीज आ गई, इनके घर में AC आ गया, इनके घर में ऑडी गाड़ी आ गई या फिर BMW आ गई। ये सारी चीजें कैसे हो रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि रिजर्वेशन के कारण ये लोगों की बहुत ज्यादा तरक्की हुई। तो दोस्तों ये झूठ भी नहीं है, सच ही है। पर दोस्तों केवल यही सच नहीं है, सच ये भी है कि हमें वे ऑफ लाइफ इसका पता चला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कारण, जीने का किस प्रकार ये हमें पता चला, और ये हमें बुद्धिज्म के कारण पता चला। आरक्षण के कारण सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और दोस्तों जो लोग सभी बड़े बड़े पोजीशन पर वो लोग थे, उन लोगों को अभी लगने लगा है कि अरे इस पोजीशन पर तो बुद्धिस्ट भी दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट ही उन लोग को दिख रहे हैं। तो उन लोग को ऐसा लग रहा है अरे रिजर्वेशन यही लोग हमारा पूरा खा रहे है। बट दोस्तों बुद्धिस्ट सिर्फ एक धर्म के लोग है, उन लोग को माइनस किया जाए तो पूरा का पूरा SC ST OBC रिजर्वेशन ये हिंदू लोगों को मिलता है, कुछ उसमें मुस्लिम्स क्रिश्चियन लोग है, पर जो मेजर पार्ट ऑफ रिजर्वेशन है वो उसके जो बेनिफिट है वो हिंदू लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, वो केवल आरक्षण के कारण नहीं, तो वो बौद्ध धर्म अपनाने के कारण हुई है। हम अंधश्रद्धा से मुक्त बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण हुए हैं।
तो ये बात आप सभी को समझनी होगी। आप सोचे ना दोस्तों, जो लोग फॉरेन में आज जॉब कर रहे हैं, क्या उनको जॉब रिजर्वेशन के कारण लगा है? रिजर्वेशन से तो सिर्फ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, पर वहां पे उनको जो जॉब लगा है वो उनके काबिलियत पे लगा है दोस्तों। तो रिजर्वेशन ये सिर्फ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, और यही चीज आज मराठा समुदाय के लोगों को समझ में आई है कि बुद्धिस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने के कारण वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक जमाना था जब रिजर्वेशन को भीख के समान ये लोग कहते थे, आज भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर वो लोग कौन है जो आरक्षण लेने वाले लोगों को भिखारी कहते हैं, भिकमंगे कहते हैं, वो लोग कौन है ये भी आप लोग समझिए। क्योंकि आज मराठा समुदाय भी आरक्षण मांग रहा है, EWS के नाम पर सवर्ण भी आज आरक्षण मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। जो लोग फाइनेंशियली गरीब है वो लोग चाह रहे हैं, जो लोग जाति से, जैसे मैंने कहा कि चमार जाति को लेकर वसीम अकरम ने जो स्टेटमेंट दिया कि यार चमारों की तरह लुक्स नहीं होना चाहिए जब आप फील्ड पर उतरते हो, तो क्या चमार गंदा दिखता है? आज चमारों के पास एजुकेशन है, जॉब्स है, अच्छी अच्छी गाड़ी है, बंगला है, उसके बावजूद भी उस चमार को ये बात सुननी पड़ रही है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन महत्वपूर्ण है या धर्मांतरण महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बात समझने वाली है। तो जिन लोगों को भिकमंगा भिकारी कहा जाता है, जिन लोगों द्वारा कहा जाता है, उन लोगों को समझिए, उन लोगों को जानिए। बुद्धिस्ट सिर्फ एक धर्म के लोग है, उसको अगर माइनस किया जाए तो सारे के सारे उसमें हिंदू है जो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहे है, और हमारी जो तरक्की दिख रही है वो केवल आरक्षण के कारण नहीं है, आरक्षण के कारण हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, और धर्मांतरण के कारण हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो। पापा प्रोग्राम कितनी से? 11:30 वाजता है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, क्लब हाउस मध्ये। क्लब हाउस मध्ये ना? Shabbat shalom.
शिवराम भिक्षु संघ मम्मी विजयदशमी की हार्दिक शुभेच्छा गागा तुला पण ताई तुला पण आणि पप्पा तुम्हाला पण ये पीछे साइड देखिए पीछे साइड है स्विमिंग पूल मतलब किस तरह के इलाके में ये प्रोग्राम हो रहा है वो आप लोग देख लीजिए ये झूमर लगा हुआ है पूरा हॉल एयर कंडीशनर है तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कार्यों की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए।